बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पालक और सरसों का साग, तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का बनना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो एंड तक देखना, तो वीडियो ख़ास होने वाली है। हमने खुद घर में उगाई हुई है पालक, तो वो हम काटेंगे, काट कर और बनाएंगे। मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पालक उगी हुई है, तो ये देख लें फ्रेश फ्रेश पालक है। तो अब हम इसे काटें, माशाल्लाह से देख लें ये कितनी अच्छी पालक हुई है हमारे घर में। तो ये हम इस तरह से काटेंगे, साथ साथ काट भी लेंगे, बाद में नहीं काटनी पड़ेगी। तो जब भी दिल करता है तो घर की सब्जी होती है तो काट कर हम बना लेते हैं। तो ये सरसों का साग और पालक हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब बॉयल, तो ये हमारे बॉयल हो चुके हैं सरसों का साग और पालक। तो अब हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, तो बाकी के मसाले अब हम तैयार करेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। निकाल के इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये हमने ग्राइंड कर लिया है, पानी हमने निकाल लिया है सारा। तो अब हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये हमने एक कप घी का लिया है, तो वो हमारा गरम हो चुका है। एक टमाटर और दो प्याज, तो ये ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे, तकरीबन हमारे 5 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई करने में। तो ये हमारे प्याज और टमाटर फ्राई हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अब, क्योंकि ये बिल्कुल मिक्स करने हैं टमाटर और प्याज। ये हमने जितने हमें चाहिए लाल मिर्च और नमक और हल्दी पाउडर, ये हम ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे। तो हरा धनिया और हरी मिर्च भी हम ऐड करेंगे। तो अब हम पालक और सरसों का साग जो हमने ग्राइंड किया है वो भी ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। तो मैं भी इंशाल्लाह, तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी ट्राई करें, आप भी घर में बनाएं।